तो दोस्तों सभी टीमों ने अभी तक अपने 6-7 मुकाबले आईपीएल 2023 के खेल लिए हैं और यहां पर अब कौन सी 4 टीमें हमें नजर आ रही है जो कि जाने वाली हैं प्लेऑफ्स में, कौन सी ऐसी टीमें हैं जिनका सफर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, सारी बातचीत करेंगे। तो आप बस इस वीडियो को कर दीजिए 1 लाइक और आपके हिसाब से कौन सी है वो टीम जो कि कन्फर्म प्लेऑफ में आपको नजर आएगी, कमेंट कर हमें जो है वो जरूर बताएं। दोस्तों बात करें अगर आईपीएल 2023 के अभी तक के सफर की, तो बहुत ही रोमांचक सफर है, एक से बढ़कर एक मुकाबले में नजर आ रहे हैं। इस वीकेंड भी दोस्तों 4 मुकाबले हमें देखने को मिले। शनिवार की अगर बात करें तो पहले मुकाबले में गुजरात टाइटंस की टीम ने हराया लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम को एक लो स्कोरिंग एनकाउंटर में। रात के मुकाबले में हाई स्कोरिंग मैच हुआ जहां पर पंजाब किंग्स की टीम ने हराया मुंबई इंडियंस की टीम को। इसके बाद सुपर संडे की अगर बात करें तो पहले आरसीबी की टीम ने राजस्थान रॉयल्स की टीम को 7 रनों से हराया और रात के मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग की टीम ने 49 रनों की बड़ी जीत हासिल करी कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ। तो 4 बहुत ही अच्छे मुकाबले हमें इस वीकेंड भी जो है वो देखने को मिले हैं। पॉइंट्स टेबल में भी काफी सारे चेंजेस हुए हैं। सबसे पहला चेंज हुआ है नंबर 1 की पोजीशन में, चेन्नई सुपर किंग की टीम 7 में से 5 मुकाबले जीतकर नई टेबल टॉपर बन चुकी है, नंबर 1 की पोजीशन पर हमें नजर आ रही है। राजस्थान रॉयल्स की टीम दोस्तों नंबर 2 पर है, पिछले 2 मुकाबले बैक टू बैक ये टीम हारी है, तो इस टीम को वापसी की जरूरत। इनके अलावा लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस टॉप 4 में हमें जो है वो नजर आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि 5 ऐसी टीमें हैं जिनके पॉइंट्स जो है वो बराबर हैं, 8-8 पॉइंट के साथ 5 टीमें जो है वो बनी हुई है, जिनमें राजस्थान रॉयल्स, लखनऊ सुपर जायंट्स, गुजरात टाइटंस, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और पंजाब किंग्स की टीम जो है वो है शामिल। यानी कि इस साल जो कॉम्पिटिशन है टॉप 4 का वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। सिर्फ यहां पर चेन्नई सुपर किंग की टीम 10 पॉइंट के साथ है, इनके अलावा 5 ऐसी टीमें हैं जो कि हमें 8-8 पॉइंट के साथ इस समय नजर आ रही है। सिर्फ नेट रन रेट का फर्क है और इसीलिए जो पोजीशन है वो हमें चेंज नजर आ रही है। वहीं दोस्तों 2-3 ऐसी टीमें हैं जिनका सफर हम कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। पहली है दिल्ली कैपिटल्स की टीम, जिन्होंने दोस्तों यहां पर 6 मुकाबले खेले हैं, सिर्फ 1 मुकाबला जीती है। कोलकाता नाइट राइडर्स 7 मैचेस खेल चुके हैं, सिर्फ 2 मुकाबले जीती है, पिछले 4 मुकाबले बैक टू बैक हारकर यह टीम आ रही है। इसके अलावा सनराइजर्स हैदराबाद की अगर बात करें तो इस टीम ने भी 6 मुकाबले खेले हैं और सिर्फ 2 मुकाबले जो है वो जीते हैं। मुंबई इंडियंस की टीम बिल्कुल बीच में जो है वो बनी हुई है, 6 में से 3 मैचेस जीते हैं, 3 मैचेस आ रहे हैं और ऐसे में आने वाले 1-2 मैचेस जो है मुंबई इंडियंस के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो ये दोस्तों पॉइंट्स टेबल का हाल है। अब बात करते हैं टॉप 4 टीम की जो कि जाएंगी प्लेऑफ। हमने दोस्तों आईपीएल की स्टार्टिंग से पहले अपनी 4 टीमें पिक करी थी, वो 4 टीमें थी चेन्नई सुपर किंग, राजस्थान रॉयल्स, गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। और अभी भी हम इन 4 टीमों के साथ ही जो है वो बने हुए, हमें ऐसा लग रहा है कि ये 4 टीमें प्लेऑफ में हमें जो है वो नजर आएंगी। ये वही दोस्तों यहां पर 2 ऐसी टीमें हैं जो कि हमारे प्रेडिक्शन को गलत करने में लगी हुई है, जो कि है पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स। देखते हैं क्या होता है, कौन सी टीम प्लेऑफ में जाती है। लेकिन यहां पर 33-34 मुकाबलों के बाद कुछ इस तरह का हाल है पॉइंट्स टेबल का और ये 4 टीमें हमें लग रहा है कि प्लेऑफ में जाएंगी। आपको क्या लग रहा है कौन सी 4 टीमें जाएंगी, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।